हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी मैं सुनील दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं एक यूपीएससी इंटरव्यू और अभ्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर अपनी आज की क्लास मध्यकालीन भारत मात्र तीस मिनट में सतीश चंद्र एनसीआर सभी जरूरी तथ्यों के साथ टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें तीस मिनट में करना है मुझे थोड़ा अधिक टाइम लग जाए दस पांच मिनट पंद्रह मिनट तो आप उसको ये मत काउंट करिएगा कि नहीं एक घंटा हो गया क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे इस चीज़ को बताने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही दो चार मिनट अपने बैच के बारे में एन एकेडमी के बारे में वो टाइम आपको काट के ही इसको काउंट करना है आपके लिए इसलिए हो जाता है आधे घंटे में क्या 25 मिनट में ही हो जाएगा आपका ओनली 25 मिनट में आपका क्योंकि इतना बढ़िया से सारी चीज़ें हैं और स्पीड्स में मैं पता तर चला जाऊंगा तो आज उम्मीद करेगा मैं 2x स्पीड में रहूंगा बट विथ कॉन्सेप्ट रहूंगा मतलब फैक्ट तो है ही हैं लेकिन मस्त रहूंगा तो इसलिए आपको किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इन्जॉय करिए क्लास का तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया इनिशिएट एक बार फिर से बता दूं ये मेरा एक नया इनिशिएट है आज आप पढ़ रहे मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी कल शाम को पढ़ेंगे या परसों शाम को पढ़ेंगे विपिन चंद्रा एनसीईआरटी मात्र 30 मिनट में फिर आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम मात्र 30 मिनट में मॉडर्न इंडिया फिर आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास रामचरण शर्मा तीस मिनट में फिर आप एम लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी किताब शायद उसे भी आप पढ़ेंगे पैंतालीस मिनट या एक घंटे में ये मेरा दस दिन का प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया सुबह से सुबह वाली क्लास में भी मैंने बताया कि अब मैं मेरा पाँच अगस्त को अन पे आए एक वर्ष हो जा रहा है मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाई करी है अब आप लोगों की पर्सनालिटी में आप लोगों को मैंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सिखाया है अब अगला साल में आप लोगों को उसको संक्षेपण करना यानी कैसे हम जो है प्रिसाइज कर सके जित इतना बड़ा विस्तृत विस्तृत किताबें हैं इतनी इतने ज़्यादा पेज वाली किताबें उनको कैसे हम कंसाइज कर सकें उन्हें कैसे हम संक्षिप्त कर सकें एक वर्ष यह सिखाऊंगा और इस दो वर्ष के बाद आप एकदम हिरन की तरह भागेंगे कोई आपको रोक नहीं पाएगा और खूबसूरत भी लगेंगे चूंकि हिरन भागते हुए बड़ा ही खूबसूरत लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक उसके पहले अन अकेडमी पर अगर आप आना चाहते हैं थर्ड अगस्त 2020 जनरल स्टडीज ज्योग्राफी प्रॉमिस है नोट्स जो मिलेंगे एकदम क्या बताऊं खेर आप लोग अगर आना चाहें तो आकर के कनेक्ट हो सकते हैं जनरल स्टडीज और इसके साथ साथ वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य ये कोर्स स्ट्रक्चर है सब लिखा हुआ कब कौन कौन सी क्लास चलती है आपको एक, एक परसेंट भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और जो भी बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं उन्हें साढ़े सत्रह सो नंबर मुख्य परीक्षा अगर उन्हें यूपीएससी की अच्छी समझ है और मुझे हिंदू में फॉलो कर रहे हैं तो साढ़े नंबर में अकेले पढ़ाता हूँ वो भी आपको जो नोट्स मिलेंगे जो कंटेंट मिलेंगे या मेरा एनालिसिस आप कंपेरेबल आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं अगर कमजोर मिले तो आप बिल्कुल मत आइए और नोट्स जो मिलेंगे आपको आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यूनिट वाइज वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य भी कंप्लीट नोट्स प्रिंटेड प्लस हैंड रिटर्न और लाइव क्लास इसकी फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं सिक्स वन ईयर के लिए आते हैं फीस है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दो साल के लिए आते हैं फीस है सत्तावन हजार छः सौ विद लाइव कोड और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक और कैटेगरी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप अन अकेडमी की एक टीम की तरफ से मिलेगी और अन एकेडमी की टीम आपका आपको यानी आंसर राइटिंग से लेकर के जो भी आपकी पर्सनल जरूरतें हैं उन सब का हिसाब किताब जो भी आप सोच सकते हैं मैं क्या क्या बताऊं जो भी आप सोच सकते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट ये पूरी एक टीम बनाई बनाएगी जो आपको आपके आपको हमेशा इंटरटेनमेंट करेगी डे बाई डे और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसका नाम है चौबीस महीने की फीस है वैसे तो निन्यानवे हजार बट एसके लाइफ कोड यूज़ करते हैं मेरा एटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड और अगर बाप बारह महीने के लिए आते हैं विद एसके लाइफ कोड सत्तावन हज़ार छः सौ ठीक है मध्यकालीन भात मात्र तीस मिनट में चलिए स्टार्ट करते हैं सभी जरूरी तथ्यों के साथ इस पॉइंट पर फोकस करिएगा जरूरी में ये नहीं होता कि सारे ही आ जाए जो जरूरी तथ्य है यानी एक चीज़ और बताऊं जरूरी तथ्य ये क्यों इंपॉर्टेंट पंक्ति है जरूरी तथ्य क्योंकि जैसे होता क्या कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो हो सकता है यहां से डायरेक्ट ना आए लेकिन आपको इतना पढ़ने के बाद आपको क्या होगा विकल्प छांटने में आसानी हो जाएगी मैं नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट नहीं आएगा डायरेक्ट भी आ सकता है चूंकि कुछ छोड़ा नहीं गया तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ें तो उसका हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पार्ट लेकर के चलें तभी हम यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे कि अगर आपने डायरेक्ट खूब पढ़ा हुआ है और उसका फायदा क्या होगा कि आपको विकल्पों को छांटने में समझने में आसानी तो होगी होगी ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी जरूरी तथ्यों के साथ तो पहला जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है टाइम आप नोट कर लीजिए टाइम आप नोट कर लीजिए मैं भी टाइम नोट कर लेता हूं ठीक है ना सात बज के दस मिनट मैं सॉरी सात पंद्रह पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं मध्यकालीन स्टार्ट हो रहा है क्या है आपके सामने देख सकते हैं क्या है ये मध्यकाल सफलता से अयोग्यता की ओर का दौर पहला जो सीरीज स्टार्ट हो रही मध्यकाल सफलता से अयोग्यता नाम बड़ा ही आ, मतलब लॉजिकल ढंग से रखा गया सफलता यानी कि सबसे पहले शासन की स्थापना होगी असफलता यानी अयोग्य उत्तराधिकारी आएंगे सल्तनत और मुगल दोनों का पतन हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से अपनी कहानी और कहानी में क्या क्या है मध्यकालीन महत्वपूर्ण शासक और उनकी उपलब्धियां एवं कार्य चूंकि मध्यकाल यूपीएससी में है थोड़ा सा कम फेवरेट है लेकिन फिर भी अब अब क्वेश्चन तो तो आ ही सकते हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल पिछली बार पांच क्वेश्चन आ गया था 2019 में पांच क्वेश्चन आ गया था तो हो सकता है यही ट्रेंड आगे भी रहे तो सबसे पहले गुलाम वंश सबसे पहला वंश गुलाम वंश के बारे में हमें पढ़ना है जहां से देखिए उठाया वही पॉइंट किया जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे पहले गुलाम वंश गुलाम वंश कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन एबक ये कौन है ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है इसने क्या निर्माण कराया आपके सामने पड़ा हुआ है कुतुब मीनार इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है और इनके बारे में और क्या है यानी चौगान चौगान एक खेल होता है ये चौगान यानी पोलो से खेलते हुए पोलो खेल जो होता है चौगान उस उसमें ये घोड़े पे बैठ के खेला जाता और ये गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई इनके बारे में ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इलतुतम बारह से बारह और इलतुत के बारे में क्या क्या फैक्ट है इनके सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कार्य चूंकि यूपीएससी में इन्होंने जो इकोनॉमिक क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक रियल अगर कभी प्रश्न आएगी दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक संस्थापक सबसे पहले क्या करेगा कि आर्थिक रूप से साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करेगा और जब उसके राजकोष में धन आएगा उसी राजकोष के धन पर वो अपना पूरा जो चाहे साम्राज्य विस्तार हो चाहे राजनीति हो या उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स हो उनको आगे बढ़ाएगा तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे आर्थिक कार्य यहीं से प्रश्न आ सकता है आर्थिक कार्य में सबसे पहले आप देख सकते हैं एकता प्रणाली एकता प्रणाली का मतलब क्या हो गया एक वर्ड में मैंने कहा है आप लोगों से हमेशा कि अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अपनी टर्मिनोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी इसीलिए मैंने पूरे कंटेंट में छोटे टर्म्स में चीजें रखवाई एकदम छोटा छोटा जिससे क्या हो कि आपको बेहतर ढंग से चीजों को समझने में सहायता मिले ठीक है और आप बार बार रिवीजन करें वहां पर वो टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं एकता को हमने ये कहा वो किसी और रूप में यानी कोई व्यवहारिक शब्दावली दे दी जाती है एकता मूल बात तनख्वाह में धन की जगह भूमि मिलना इसे बस सिंपल बा बाकी मैं विस्तार से सब पढ़ा चुका हूं तनख्वाह में धन की जगह भूमि का मिलना यह पॉइंट याद रखिएगा और अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने टक्साल की स्थापना तो कौन सा आ सकता है टक्साल की स्थापना दिल्ली में टक्साल की स्थापना इसका मतलब इन्होंने मुद्रा व्यवस्था को आधिकारिक रूप दिया और जैसे ही किसी साम्राज्य में मुद्रा व्यवस्था आती है इसका मतलब डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बेहतर हो जाता है फिर चाहे औद्योगिक गतिविधियां हो वाणिज्य हो वो बेहतर ढंग से चलने लगता है साम्राज्य सुदृढ़ता प्राप्त करता है दिल्ली साम्राज्य का संसापक, चांदी का तांबे का वास्तविक संस्थापक चांदी तांबे जीतल इन्होंने चलाया याद रखिएगा मुद्रा चलाया चांदी का टका और तांबे का जीतल ये ये दोनों किसने चलाया फर्स्ट टाइम आर्थिक ये इनके दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर यूपीएससी प्रश्न पूछता है या स्टेट सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछते हैं तो यहीं से पूछा जाएगा और फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या था सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम लिखवा है इसका मतलब अभी भी सैद्धांतिक रूप से जो है जो बगदाद का खलीफा था वो इस्लाम का धर्म गुरु माना जाता था और इसीलिए इन्होंने भी उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए सांकेतिक ही था सांकेतिक ही था हम इस्लामी राज्य को किसी भी प्रकार से धर्म तंत्र राज्य यानी इलतुतम के राज्य को हम किसी भी प्रकार से धर्म तंत्र यानी धर्म के अनुसार चलने वाला राज्य नहीं मान सकते हैं इन्होंने क्या किया केवल एक होता नहीं है कि अपने यानी एक सांकेतिक स्वीकृति ली इतना ही पॉइंट याद रखेगा अब आगे चलते हैं शिल्प और निर्माण कार्य इन्होंने क्या किया और एक चीज और याद रखिएगा कंटेंट में उन्हीं चीजों पर फोकस है कंटेंट में उन्हीं चीजों पर फोकस है जिनमें संभावना है कि क्वेश्चन में आएंगे बाकी के छुद्र या अन्वेषी फैक्टों पर मेरा फोकस नहीं किया है इसलिए वहां मत जाइएगा बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद और शिल्प और निर्माण कार्य तो इन्होंने क्या किया गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है ये देख सकते हैं यानी आपने ये फैक्ट साध ना गुम्बद निर्माण का पिता इस प्रकार अगर कोई प्रश्न आए तो मार दीजिएगा अब इसके बाद आता है प्र... इनका प्रशासनिक कार्य क्या था आर्थिक पैसा आ गया पैसे के बाद सेटलमेंट आ गया सेटलमेंट यानी अब सिस्टम को मजबूत किया जाएगा राजनीति में प्रशासन में तो प्रशासनिक कार्य के लिए इन्होंने तुर्काने चहलगानी का गठन किया यह भी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्ने चहलगानी का दमन किया सॉरी गठन किया तो किसने गठन किया इलतुत ने किया यह चालीस अमीरों का दल हालांकि इतिहासकार कहते हैं इसमें चालीस से भी अधिक रहे होंगे ये इलतुतमिस के सबसे विश्वस्त क्या थे सरदार थे जिनके दम पर वो पूरा शासन का संचालन करता था बाद में इलतुत की मृत्यु के बाद यही तुर्काने चहलगानी याद रखेगा इलतुत यानी गुलाम वंश के पतन का कारण भी बनता है बलबन भी एक तुर्काने चहलगानी का एक मेंबर था जो बाद में शासक बनेगा तो ये इतना फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है और अब रजिया सुल्तान के बारे में पहली शासिका याद रखिएगा पहली शासिका प्रथम महिला शासिका रही है इनका काल बारह से चालीस रहा है कोई उपलब्धि हो नहीं पाई बस इतना ही याद रखिएगा इन्होंने काले कपड़े पहन करके दिल्ली काले कपड़े पहन करके दिल्ली की जनता से सत्ता मांग की थी और ये पहली शासिका है संभवतः मध्य काल की या प्राचीन मध्य और आधुनिक काल की भी जिन्हें जनता ने स्वयं गद्दी पर बैठाया तो ये इनकी उपलब्धि थी कपड़ा कौन सा पहना था काला याद रखेगा कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे प्रश्न भी पूछताते हैं किस प्रकार के कपड़े पहन करके उन्होंने जो है दिल्ली की जनता से गुहार लगाई थी उन्होंने ये लगाया था सामाजिक कार्य और सुविधाएं उन्होंने क्या किया कुएं गलियां विद्यालय पुस्तकालय का निर्माण कराया उपलब्धि थी और ऐसा भी कभी प्रश्न बन सकता है किसका काल आंतरिक संघर्षों का काल था तो रजिया का काल था आपको पता है गुट काफी गुट थे एदगीन वगैरह वो उतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं यूपीएससी में तो कम से कम ऐसा प्रश्न आने वाला नहीं है अब आगे चलते हैं बलबन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक बीच का सारा हमने गायब कर दिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं चूंकि मैंने पहले बताया यूपीएससी जो हेड ऑफ सिस्टम है उसी पर क्वेश्चन आपसे बनाता है घोषित सुल्तान, सुल्तान किया।, इलाही, इलाही मतलब कि का सा किया तो जिले इलाही बलबन ये, ये पॉइंट पौ, ये याद रखिएगा जिले इलाही अब ऑब्वियस है जब ये अपने को ईश्वर के समान मानेगा तो एक ताकतवर शासक होगा इसका मतलब अन्य लोग इसके नीचे होंगे और इसे क्यों करना पड़ा जिल्ले इलाही की उपाधि क्यों लेनी पड़ी ये इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है उसे बोलते हैं राजत्व का सिद्धांत यानी ये इनका राजत्व का सिद्धांत था क्यों था ऐसा राजत्व का सिद्धांत बिकॉज 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 कि तुर्काने चहलगानी ने आतंक मचा रखा था और रजिया के बाद केवल शासक बैठते थे उतारे जाते थे बैठते थे मारे जाते थे उतारे जाते थे बैठते थे जो एक सल्तनत में अस्थायित होना था वो नहीं था इसीलिए भैया शासक राजा होता अगर ईश्वर के समान होता इसलिए शासक के सामने आप किसी प्रकार का उपद्रव या हिंसा मत करो जिले इलाही राजत्व का सिद्धांत लाने के पीछे का दर्शन यही था प्रशासनिक कार्य आपका हो गया चालीसा दल को खत्म किया सबसे पहले क्या किया चालीसा दल को खत्म किया सिजदा और पैबोस की प्रथा को आरंभ किया इसलिए कि जो है शासक के प्रति स्वामी भक्ति लोग प्रकट करते रहे और उनके अंदर विद्रोह की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए इसलिए सिजदा और पैबोश की प्रथा अभी अभी हम एक क्वेश्चन में बताएंगे इसके अंदर का क्या मसाला है आप केवल सिजदा और पैबोश की प्रथा रक्त और लौह की नीति के, के अगर कभी पूछा जाए रक्त और लौह की नीति के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध था तो आप क्या बताएंगे बलवंत था क्यों था चूंकि मंगोलों का आक्रमण था और साम्राज्य को स्थायी चाहिए था तो मंगोलों के आक्रमण और साम्राज्य के स्थायित्व के लिए बलबन के पास रक्त और लौह की नीति अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था यह अपनाया यानी शक्ति के साथ फिर इसके बाद क्या है शासन का आधार था कुरान के नियम और क्या था कुरान के नियमों के आधार पर अगर ऐसा है तो यह भी आप मान सकते हैं अब एक प्रश्न में प्रैक्टिस कर लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए क्वेश्चन में भी है कुछ क्वेश्चन में बलबन ने ईरानी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की अब देखिए ये मेरी चालाकी है कि पॉइंटर के साथ क्वेश्चन भी है क्वेश्चन के माध्यम से भी आपका तैयार हो सकता है यही आपको मैं सिखाना चाहता हूं जो गांव के बच्चे हैं रूरल या जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली साउंड नहीं है उनके लिए बेटे आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है निम्नलिखित कदम बलबन ने ईरानी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी दूसरा सिजदा अर्थात सुल्तान के कदम चूमना और पैबोस का अर्थ है घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना अब ये क्या है क्या नहीं आप बताएंगे बलबन के समय मंगोलों ने बारह में मुल्तान पर आक्रमण किए कौन सा सही है आपसे मैं पूछूंगा नहीं मैं खुद ही बता देता हूं यह वाला गलत है दूसरा गलत है दूसरा गलत है एक और तीन सही आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आज मेरा काम आधे घंटे में आपको इस संपूर्ण कंटेंट से परिचित कराना सिजदा मतलब होता बेटा घुट घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना यह गलत था और पेबोस का होता है सुल्तान के कदम चूमना आपका रिवीजन भी होगा अब चलिए अगला खिलजी वंश यानी कि गुलाम वंश समाप्त होता है आता है खिलजी वंश खिलजी वंश को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से कहते हैं खिलजी वंश को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से कहते हैं खिलजी क्रांति के नाम से क्यों कहते हैं उसके पीछे कई रीजन है पहला रीजन क्या खिलजी क्रांति का यानी कि तुर्कों के स्थान पर एक नई जो है इस्लाम से ही संबंधित एक नई जाति आती है एक नया निर्जा समूह आता है, सम है खिलजी इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहते हैं नंबर वन यानी एक वंश का शासन समाप्त और दूसरे का स्टार्ट होता है इसलिए खिलजी वंश दूसरा क्या होता है कि अभी तक बलवन के काल में भी और उसके पहले भी वंश के आधार पर यानी आपको सेवा में रखा जाता था रोजगार में यानी नौकरियों में रखा जाता था शासन में रखा जाता था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के काल में कहीं कहीं योग्यता को वरीयता दी गई इसीलिए आप देखेंगे कि उसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सामान्य सामान्य लोगों ने बहुत उन्नति की जिसमें से आपको पता है कि कई उस वह कभी बाहर नहीं गया युद्ध नहीं किया उसके सेनापतियों ने सारा युद्ध संभव किया तो खिलजी क्रांति फिर इसके बाद शासन सत्ता में भी परिवर्तन होता है इसलिए क्रांति कहते हैं इतना ही चूंकि पीटी की क्लास है मुख्य परिचय क्लास होगी तो और डिटेल चलूंगा अलाउद्दीन खिलजी बारह से तेरह कभी पीटी में प्रश्न आ जाए खिलजी क्रांति से क्या आश है तो यही बताइएगा कि संपूर्ण परिवर्तन यानी गुलाम वंश के आगे संपूर्ण परिवर्तन जो दो पॉइंट मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कोई फैक्ट नहीं है याद रखिएगा उसके बारे में कभी अगर प्रश्न आता है तो इतना ही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मुसलमानों के प्रति बहुत उदार था तो जलालुद्दीन खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी बारह सो छियानवे से तेरह सो सोलह अपने अपने चाचा आप लोगों को पता है खिलजी की हत्या करके शासन पर बैठता राजनीतिक कार्य क्या करेगा जो एग्जाम में आएगा यह भी नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए साम्राज्य विस्तार करता है मेवाड़ जैसलमेर रथम चित्तौड़ ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्षेत्र अभी तक किसी ने जीते नहीं थे तो ये राजपूताना में प्रवेश करने वाला पहला शासक अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी था नंबर वन सेकंड लॉ और रक्त की नीति इसकी भी थी फिर पीटी में प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल के शासक में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए आप बता देंगे सर्वाधिक जो है आक्रमण हुए किसके अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों के और मंगोलों से ही डर के यानी कि उसे यह लगा कि दिल्ली पर मंगोल अटैक करके उसे कब्जा कर सकते इसलिए उसने 1303 में एक नई राजधानी बनाई उसका नाम था सीरी, सीरी, सीरी। नाम याद कर लीजिएगा सीरी में पदों का निर्धारण योग्यता के आधार पर किया इसी को बोलते हैं खिलजी क्रांति सिकंदर सानी इसकी उपाधि थी यह याद रखिएगा क्या उपाधि थी सिकंदर सानी आर्थिक कार्य किया किया इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी बहुत डीप में जाता नहीं आपको पता है केवल शब्दावली क्लियर है तो आप अपना काम कर ले जाएंगे क्या है शब्दावली क्लियर है तो आप अपना काम कर ले जाएंगे आर्थिक कार्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक कार्य क्या था बाजार प्रणाली में सुधार किया वस्तुओं के मूल्य स्थिर कर दिया तो अगर कौन सा शासक अपनी बाजार व्यवस्था के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी याद रखे और मैं चाहता हूं कि जितनी स्पीड से मैं पढ़ रहा हूं एनालिसिस कर रहा हूं वही यही क्षमता आपके अंदर मैं ट्रांसफर कर पाऊं इसीलिए 30 मिनट का कॉन्सर्ट मैंने जिंदा किया है हर एक विषय में हर एक विषय में इनफैक्ट एम लक्ष्मीकांत शायद आपको 30 से पचास मिनट में कराऊं तब आपको लगेगा कि यार भी एक शब्दों की किताब ये इस साल के मेरे टारगेट्स लिए आया अनाज का व्यापार होता था सराय ए आदल ये ये, ये प्रस में क्वेश्चन है क्या है इसे ये जो कपड़ों का व्यापार होता था सराय आदल कहते थे घोड़े दास व मवेशियों का भी बाजार था और सामान्य बाजार था तो उसके बाजार के चार एलिमेंट थे कर सुधार किया और उपज का 50 परसेंट टैक्स किसने लिया अलाउद्दीन खिलजी ने लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, खिल ने 50 परसेंट लिया ये पॉइंट याद रखिएगा सैन्य क्या, क्या आर्थिक कार्य कार्य में एक कार और है इसने जो बकाया राशि थी यानी अमीरों के ऊपर जो भी देनदार थे जहां इनका शासन था बकाया की राशि की वसूली के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने मुस्तखराज क्या क्या था दीवाने मुस्तराज बकाया वसूली के लिए याद कर लीजिएगा आगे चलते हैं सैन्य कार्य क्या था प्रथम शासक जिसने बड़ी सेना रखी पहला शासक दाग और होलिया पर दाग का मतलब होता है घोड़े को दागना उसका चे, उसके चेहरे का रिकॉर्ड रखना जिससे कोई फर्जी घोड़ा ना लेकर के आ जाए सेना में दाग और होलिया प्र तो देख सकते हैं प्रशासनिक कार्य क्या किया डाक व्यवस्था डाक व्यवस्था का शुभारंभ आ जाए तो मार दीजिएगा बलबन ने किया था बट 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 उसे स्टेब्लिशमेंट किया सैन्य का भी सैन्य व्यवस्था का भी अच्छी सैन्य व्यवस्था की कि शुरुआत किसने की थी बलबन ने लेकिन डाक और सैन्य और गुप्तचरी तीनों की शुरुआत बलबन ने की थी लेकिन उसको एस्टेब्लिशमेंट किसने दिया उसको दिया अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली का प्रारंभ किया क्या किया राशनिंग प्रणाली का प्रारंभ किया म, ये यानी सैंधो काल में हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा से जो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं वह साक्ष्य जो मौर्यों के काल में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहगौरा से मिले हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खाद्यान्न की को इकट्ठा करना और उसको आज के वर्तमान के पीडीएस सिस्टम के हिसाब से लोगों में आवश्यकता पड़ने पर बंटवाना और उसके लिए उसी प्रकार की एक व्यवस्था राशनिंग प्रणाली का इन्होंने प्रारंभ किया यह भी इंपॉर्टेंट है किसने राशनिंग प्रणाली का प्रारंभ किया एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है इस क्वेश्चन के माध्यम से चार फैक्ट और आपके सामने मैंने ला दिया तीस मिनट में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पहला बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था मुनहियान या बमुनही भी कहते थे सूचना तो क्या है हर कार्य ये, जो हरकारा ये हर कार्य हर कृषि अधिकारी नहीं था याद रखिएगा हर कार्य कृषि अधिकारी हर कार्य क्या था शहरों में नियुक्त किया जाता था ठीक है ना तो सिंपल से हर कार्य शहरों में नियुक्त किया जाता शिल्प और निर्माण कार्य को यह देखता था शिल्प और जैसे अलाई दरवाजा किला जमात खाना मस्जिद ये सारा काम हर कार्य का था यही ये पूछ ये भी पूछ सकता पीटी में कि सल्तनत काल में हर कार्य क्या था बरीद ममालिक होता था गुप्तचर बरीद शब्द का कार्य गुप्तचर उस गुप्तचर का था मुनिहान क्या था ये सूचना देने का कार्य करता था और दीवाने मुस्तकराज बकाया लगान की वसूली का, का काम करता था दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण का काम करता था दीवाने रियासत ये पद दो शब्द कंफ्यूज नहीं होना दीवाने रियासत और दीवाने अमीर दीवानेही दीवाने रियासत किसका है दीवाने रियासत मेरे बच्चों अलाउद्दीन के खाल मतलब ये चला रहा पहले से और दीवाने अमीर कोही की स्थापना क्या करेगा वो कौन करने वाला कौन करने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक आगे पढ़ने वाला आई होप आपको सारा इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है और अगर सही लग रहा होगा कि हाँ सर मजा आ गया तो कमेंट जरूरी है उसके पीछे रीजन है कि फिर तब अगली किताब बिपिन चंद्रा आ, तीस मिनट में अगली किताब जो है क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम तीस मिनट में और उस, फिर उसके बाद आपका रामशरण शर्मा ओनली थर्टी मिनट में फिर हम लक्ष्मीकांत पैंतालीस मिनट में आप सोचिए मैं कैसे करूंगा मेरे लेकिन फिर भी मैं कर डालूंगा मुझे अपने ऊपर विश्वास है अब तुगलक वंश क्या है ये तुगलक वंश तुगलक वंश अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है ऑबियसुद्दीन के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं चूंकि कुछ ऐसा विशेष था नहीं और आप यह भी सीख रहे हैं ये भी सीख रहे हैं कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए एग्जाम के टाइम सीखने के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए यह पॉइंट याद रखेगा एग्जाम के टाइम यही कंटेंट होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक तेरह सौ पच्चीस से तेरह सो इक्यावन राज मुंदरी अभिलेख मुंदरी अभिलेख भी कहते हैं इसे इसे दुनिया का खान कहा गया मुंदरी अभिलेख अब यही आ जाए कि किसका उल्लेख मुंदरी या राज मुंदरी अभिलेख में मिलता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और इसे दुनिया का खान कहा गया यह पॉइंट भी आपको याद रखना है दुनिया का खान इसकी उपाधि पागलों का विद्वान या मूर्ख भी कहा गया इसे पागलों इसे पागलों मतलब इसे पागलों का विद्वान नहीं इसको अगर एक अच्छा शब्द दें विद्वान मूर्ख कहा गया ऐसा नहीं कहा गया इसको मैं ठीक करता हूं टाइपिंग में मिस्टेक है इसे विद्वान मूर्ख कहते अभी मैं बताता हूं विद्वान मूर्ख क्या होता है इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख सबसे अधिक विद्वान मूर्ख का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग में योजनाओं का साम्राज्य हो और वो अपने लोगों पर विश्वास ना करता हो तो ये क्या था ये प्लानिंग का बादशाह था यानी मध्यकाल में ऐसा सोचता था जैसे लगता था आधुनिक काल की तरह सोच रहा लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन करना होता था तो यह नीति गतिहीनता नहीं ये नीति गतिहीनता का नहीं ये नीति क्रियान्वयन का शिकार था पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का था यानी बनाने में दिक्कत नहीं थी बना लेता था जो वो निबंध आया था 2013 में, तो ये नीति की दृष्टि से गतिहीन सोच नहीं थी नीति की दृश्य डायनामिक्स सोचा करता था लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती थी तो प्रशासनिक अधिकारी उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे यह क्या करता था कि यह क्या करता था यह अविश्वास करता था जिसके कारण से चेक एंड बैलेंस लगाता था जिसके कारण अधिकारियों ने इसके काम में सपोर्ट नहीं किया एक दूरदर्शी शासक हमेशा अलाउद्दीन खिलजी से सबक नहीं लिया दो सबक नहीं लिया पहला अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारियों पर सौ विश्वास किया और उन्होंने जीत करके उसकी झोली में जफर खां और जितने भी थे नुसरत खां और क्या क्या इन्होंने पूरा समझ सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया और दक्षिण भारत में कंट्रोल और वहां से धन ये सब उसकी झोली में रख दिया इसने विश्वास नहीं किया इसलिए इसको इसके प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिला नंबर वन इस, इसको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सपोर्ट नहीं मिला नंबर वन और नंबर टू क्या हो गया नंबर टू क्या हो गया कि इसने दक्षिण भारत में सीधा हस्तक्षेप कर दिया जो कि अलाउदी अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था तो उसने केवल वहां से रेवेन्यू लिया था बस और हमारी आप सुनते रहो दैट्स इट इतना ही यानी कि हम आपके संप्रभु हैं तो ये हो गया आपका असफल योजनाएं और बुद्धिमान मूर्ख इसी को कहते हैं बुद्धिमान कहते है। क्या क्या दौलताबाद भी कहते पहली योजना सेकंड योजना सांकेतिक मुद्रा यानी कि सांकेतिक टोकन करेंसी चलाने का विचार ठीक है और इसके बाद क्या खुरासान अफगानिस्तान उस समय अफगानिस्तान के क्षेत्र को खुरासान कहते थे खुरास्तान का विजय अभियान कराचिल अभियान पहाड़ी राज्यों पर विजय के लिए कराची और दो आप में कर वृद्धि और जब इसने कर वृद्धि की उसी समय अकाल आ गया तो आप देख सकते हैं ये पांचों योजनाएं याद करिएगा ये पांचों योजनाएं आप अनुक्रम से याद कर लीजिएगा ये इसकी असफल योजनाएं आर्थिक कार्य क्या किया कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करी किसानों के लिए और इसको क्या कहेंगे तकावी क्या कहेंगे तकावी या सोंधार ऋण क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों तकावी या सोंधार ऋण कहेंगे इसे यानी कृषि ऋण की सुविधा की व्यवस्था की अब एक प्रश्न के माध्यम से एक और फैक्ट याद कर लेते हैं दीवाने अमीर को ही किस विभाग का नाम है बाजार नियम विभाग कृषि विभाग कर विभाग मुद्रा विभाग फटाफट आंसर कर दीजिए तो यह है कृषि विभाग यही मैंने अभी आपको फटाफट बताया था क्या किया था तो ये क्या है ये मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया था और देखिए देखिए अभी केवल पंद्रह मिनट हो रहा है और लगभग लगभग हम खत्म करने की कंडीशन में आ गए हैं

ससगनी सिक्के चलाए इसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया इसने 24 कर हटाकर सरियत के चार कर लगाए जजिया जकात खराज और कुंभ एबीसीडी फटाफट इसको बताइए मेरा उद्देश्य आपसे क्वेश्चन पूछना नहीं मेरा उद्देश्य है कि कैसे 30 मिनट में पूरा एन सी इंडिया खत्म किया जा सकता है अब आपका रिविजन का टाइम भी आ गया है कब का कब का रिवीजन का टाइम आ गया है अब अक्टूबर का रिवीजन का टाइम भी आ गया समझिए पूरा इतिहास रिवीजन करा दूंगा पूरा पॉलिटी रिवीजन करा दूंगा पूरा इकोनॉमिक्स रिवीजन करा दूंगा बने रहिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन तो उत्तर हो गया एक दो तीन तीनों ही सही है ये तीनों फैक्ट आप याद करिएगा फिरोसा तुगलक से कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है सामाजिक कार्य क्या किया पांच नहरों का निर्माण तो अगर आपसे पूछे सल्तनत काल में कौन सा शासक नहर निर्माता के रूप में जाना जाता है तो वो हो जाएगा फिरोजा तुगलक दारुल सफा यानी अस्पताल का निर्माण करवाया तेरह सो अठानवे में सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती तैमूर लंग का आक्रमण और इसके बाद परवर्ती सल्तनत और सल्तनत का पतन अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी कम से कम पूछे स्टेट सिविल सर्विसेज की दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है सल्तनत काल का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से पराजित यूपीएससी ने पूछा प्रश्न पूछा कि इतिहास को प्रकंपित करने वाली सभी लड़ाइयां पानीपत में क्यों लड़ी गई तो पहला आपको पानीपत की लड़ाई इतिहास को प्रकंपित करने का मतलब है 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 इतिहास को चेंज करने वाला वाला यहां पर प्रकंपित प्रकंपित शब्द शब्द का मतलब कपाने नहीं प्रकंपित, एक प्रतीकात्मक जिसका अर्थ है इतिहास को परिवर्तित करने वाला यहां प्रकंपित का मतलब होगा इतिहास को चेंज करने वाला इतिहास के दौर को चेंज करने वाला तो स्वाभाविक है सल्तनत काल से मुगल काल की स्थापना एक नया राजवंश आता है तो एक यानी 1526 पानीपत की सभी लड़ाइयां तो पहली लड़ाई ये हो गई और इतिहास चेंज हो गया इतिहास चेंज होने के साथ हमने भी चेंज कर लिया मुगल वंश देखिए केवल 15 मिनट हुआ पहले का मत लीजिएगा मैंने कहा 30 मिनट में कराना है तीस मिनट में क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको समझा भी रहा हूं तो दस मिनट अधिक हो रहा आपका तीस मिनट से कम में ही होगा ये मेरी गारंटी है मुगल वंश मुगल वंश और अगर आज वाला लेक्चर आप लोगों ने जबरदस्त सपोर्ट कर दिया तो समझ लेना इस साल भर ही नहीं मुख्य परीक्षा में ऐसे ऐसे, ऐसे हर एक बड़ा बड़ा टॉपिक आठ पॉइंट में समेट के रख दूंगा मैंने प्रण लिया है कि अब पांच अगस्त को अन अकेडमी एक साल हुआ अब पांच अगस्त के बाद से अगला साल अभी तक विस्तार में गया इतना संक्षेप कर दूंगा कि आप पहले विस्तार में गए अब आप एकदम संक्षेप में सीखेंगे बाबर पंद्रह से तीस मुगल वंश का संस्थापक था बाबर

बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई फटाफट बताइए आंसर क्या है आंसर मैं बता देता हूं ये एक दो तीन नहीं है बिकॉज ये फारसी भाषा में नहीं है तुर्की भाषा में है तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में अकबर के में आपको बस यही पूछेगा सॉरी बाबर में अगर आपसे कुछ पूछता है अगला बाबर द्वारा किए युद्धों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बाबर द्वारा किए गए युद्धों में कौन सा सम्मिलित नहीं पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ खानवा का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा के साथ चंदेरी का युद्ध चंदेरी शासक मेदरी राय के साथ घाघरा का युद्ध ईरानियों के साथ घाघरा का युद्ध ईरानियों के साथ फटाफट आंसर बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं घाघरा का युद्ध ईरानियों नहीं अफगानों के साथ हुआ था बाकी तीनों सही है याद कर लीजिएगा सारे फैक्ट बाबर के काल के खत्म कुछ और है जैसे चित्रकार अब इसके काल में अगर कुछ चित्रकला पूछ जाए तो चित्रकला का आरंभ इसके काल में नहीं हो रहा था चित्रकला की नींव कब पड़ेगी चित्रकला मैंने लिख दिया क्योंकि इसका परिचय था चित्रकारों से लेकिन चित्रकला की नींव पड़ेगी हिमायु के काल में अगर पीटी में प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से किस शासक के काल में मुगल काल में चित्रकला की नींव पड़ी क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका पूछता तो आप कहेंगे हिमायु के नाट बाबर यहां केवल लिखा हो बिहिजाद ये बिहिजाद जिसे पूर्व का रैफेल कहते हैं तुझके बाबरी में एकमात्र चित्रकार का उल्लेख मिलता है इसलिए मैंने बताया तुझ के बाबरी में एक मात्र चित्रकार और ये है बेहजाद तो इसका मतलब अकबर इनसे परिचित था लेकिन चित्रकला का आरंभ नहीं होता हुमायूं 1530 से 40 पहली बार इसके बाद शेरशाह सूरी बीच में ये देखिए गैप है इस गैप में शेरशाह सूरी स्थापित कर लेते हैं शासन और ये 1555 से छप्पन बाद में केवल एक वर्ष के लिए फिर आता है और लड़खड़ाते हुए जीवन बिताता है और अंततः लेन पुल इतिहासकार लेन पुल के शब्दों में लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों बिलग्राम युद्ध में भी पराजित होने के बाद हिमायु निर्वासित हो गया सारी घटनाएं ये क्यों क्योंकि बेटा आपको पता है जहां पर घटनाओं का गुच्छा होता है जहां पर घटनाओं का गुच्छा यानी इवेंट्स जहां ज्यादा होते हैं प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी पूछ लेता पहला दूसरा तीसरा चौथा इसलिए यहां पर है इसलिए पूछ रहा हूं पंद्रह के चौथा युद्ध में पंद्रह में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में भी पराजित होने के बाद हिमायु निर्वासित हुआ 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध में सिकंदर शाह को वह पुनः गद्दी पर बैठा फटाफट फट बताइए ए बी डी आपको बताने की जरूरत नहीं तीनों ही सही है तीनों फैक्ट आप याद कर लीजिएगा यही बाबर के बारे में जानकारी के लिए आवश्यक है अब आते हैं शेरशाह सूरी क्योंकि हिमायु के बीच में पंद्रह से पैंतालीस पांच वर्ष का सूर वंश का शासन स्थापित होता है और ये हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह है आप सतत लगे रहिए सफलता आपको मिलेगी बच्चे क्या आते हैं एक साल डेढ़ साल में खफा हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं और वो अपना भविष्य खराब करते उसमें अध्यापक का कुछ नहीं बिगड़ता क्यों क्योंकि हमें सबक लेना चाहिए शेर साहब पूरा जीवन लगा रहा और अंत वृद्धावस्था में सत्तर पचहत्तर वर्ष की उम्र में वह शासक बनता है तो ऐसे ही आपको भी सीखना है कि लगे रहना है अपनी योग्यता के साथ अपने संस्कारों के साथ कभी समझौता नहीं करना कहानी आपके हाथ में आ जाएगी सामाजिक कार्य सामाजिक कार्य क्या किया इन्होंने जीटी रोड आपको पता होगा जिसे सड़के आजम कहते हैं अगर आपको यह नाम नहीं पता था तो आप फंस जाएंगे में पूछ लेगा सड़के आजम क्या है जीटी रोड जो आज आप पढ़ते हैं लाहौर से सोनार गांव यानी बंगाल तक लाहौर पाकिस्तान से सोनार गांव बंगाल बे, तक बनाया ये आप याद रखिएगा सड़के आजम कहते हैं नीति इनकी क्या थी आर्थिक व सैन्य दोनों ही नीतियां अलाउद्दीन से प्रभावित थी इसके अलावा इनका मकबरा सासाराम में और कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कुछ आर्थिक कार्य पर लेते हैं जिससे इस प्रश्न के माध्यम से वो, वो फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं मध्यकालीन सतीश चंद्रा तथ्यों के एनसीआर में 30 मिनट में कंप्लीट करना है सारे फैक्ट निम्नलिखित में से कौन सॉब से सही है शेरशाह ने रैयत वाली व्यवस्था चलाई और मैं चाहता हूं जैसे मैं कहानी की तरह इसको पढ़ रहा हूं मैं कंटेंट की तरह नहीं बता रहा हूं कहानी की तरह जैसे मुझे सारी चीज याद है आपको भी याद होनी चाहिए याद रखेगा तो ये क्या हो गया शेरशाह ने रैयत वाली रेयतवाड़ी मतलब किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया शेरशाह के काल में पोटीन के सिक्के चलाए गए जिन्हें दाम कहते थे सोने और चांदी के भी सिक्के चलाए गए बहुत ही आसान है बिल्कुल रेयतवाड़ी चलाई लेकिन दूसरा विकल्प गलत है क्यों गलत है चूंकि तांबे के सिक्के जिन्हें दाम कहते थे इसलिए यह गलत हो गया बस इतना ही ठीक है ना अब यहां से यहां से अब फिर से हम आ गए शेरशाह सूरी खत्म हुमायूं हिमायु के कार में चित्रकला मीर सैयद अली और अब्दुल समद दो फारसी चित्रकार इसके काल में होते हैं किसके हुमायूं के और मीर हुमायूं के उनका काम खत्म सिरसा का मीर सैयद मुगल चित्रकला की नींव पड़ती है मीर सैयद अली बेहजा का शिष्य था जिसका नाम अभी पीछे आपने पढ़ा था बाबर के काल में अब्दुल समद की कुछ कृतियां हैं जो जहांगीर की गुलशन चित्रकावली में तो गुलशन चित्र चित्रावली क्या चित्रों का संग्रह कभी ऐसा भी अब आते हैं अकबर पंद्रह से सोलह तो पंद्रह छप्पन से सोलह याद रखेगा पानीपत का सेकेंड वार तो पंद्रह हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया और उसके बाद क्या किया पानीपत का द्वितीय युद्ध फिर देखे इतिहास को प्रकंपित करने वाली सभी लड़ाइया पानीपत में क्यों लड़ी गई प्रकंपित मतलब परिवर्तित यानी यहां से भी एक बहुत बड़ा चेंज आया हेमू जीत गया होता तो हिंदुस्तान में हिंदू शासन की स्थापना होती लेकिन फिर इतिहास परिवर्तित हुआ और अकबर के रूप में एक बड़ा शासक एक महान शासक हमारे सामने आ गया तो इतिहास को प्रकंपित करने वाली यानी राजवंश चेंज हो रहे हैं, इतिहास को परिवर्तित करने वाली लड़ाइयां गुजरात विजय पंद्रह बंगाल विजय पंद्रह से पचहत्तर हल्दी घाटी युद्ध पंद्रह अकबर की ओर से मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य याद रखिएगा इसमें पूछ सकता है क्योंकि हल्दी घाटी फेमस है पूछ सकता अकबर खुद गया था जी नहीं अकबर की ओर से मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था दक्षिण विजय खानदेश की अहमदनगर और असीरगढ़ यह इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पूछ लेगा कि बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय किसने की तो आप बताएंगे अकबर ने नहीं की थी बीजापुर और गोलकुंडा की जो विजय है वो किया था किसने औरंगजेब ने किया था इसलिए आपको याद रखना दक्षिण भारत में केवल अहमदनगर और असीरगढ़ असीरगढ़ का एक किला है तो खानदेश अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता ये विजय थी प्रशासनिक कार्य क्या किया, किया पेटीकोट शासन के तो महामनगा इनकी जो धाय माथी जैसे पन्ना धाय माथी वैसे इनकी एक धाय माथी महामनगा तो महामनगा 1560 से 64 याद रखिएगा इनका शासन था इसे ही पेटीकोट शासन कहते हैं जिसमें सारा निर्णय पर्दे के पीछे से महामनगा करती थी इसीलिए इसे पेटीकोट कहा जाता है अकबर के शासन में नौ रतन थे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बीरबल अबुल फजल टोडरमल तानसेन मानसिंह अब्दुल रहीम खान खाना का दो प्याजा हकीम हमाम फैजी ये थे और टोडरमल के बारे में कहा जाता विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा व वा मापन वापन आईने जनक थे याद रखिएगा टोडरमल तो ये हो गया आपका अकबर के शासन में पूछ लेगा कौन नवरत्न नहीं थे तो ये आप यहां से बनाइएगा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेकिन यहां 1560 से चौसठ में एक कॉन्सर्ट बता देता हूं इन्होंने तीन काम खैर अभी आगे आएगा ये आएगा वहां कर लेंगे पहला अब देखिए प्रशासन में तहसाला तहसील व्यवस्था कह सकते लागू की जिसमें करोड़ी अर्थात जिलाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी पंद्रह में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की जिसमें मनसब अर्थात पद के अनुसार घुड़सवार रखे जाते थे अब देखो बेटा मनसब क्या है मनसबदारी यह ब्यूरोक्रेसी है क्या है ब्यूरोक्रेसी है नौकरशाही है यानी प्रशासनिक अधिकारी उनके तो इसमें मनसब क्या होता था मनसब का अर्थ होता था पद के अनुसार घोड़े रखे जाते थे ठीक है ना मनसब में जात घुड़सवारों की संख्या होती थी और सवार व्यक्तिगत पद में विभाजित था मनसब विभाजित था इसका आंसर क्या होगा फटाफट आपको आता हो बता दीजिए अदरवाइज यहां कोई जरूरत नहीं है मैं बता रहा हूं एक और दो तीसरा गलत है लेकिन पह सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या मनसबदारी व्यवस्था एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं मनसबदारी व्यवस्था क्या मनसबदारी जैसे आप आई अधिकारी बनना चाहते हैं पीछे अधिकारी बनना चाहते हैं वैसे ही अकबर के काल में जो आई और पीछे अधिकारी होते थे तो उनको हम मनसबदार कहते हैं और मनसबदार में जो मनसब पद है याद रखिएगा जो मनसब शब्द उसका अर्थ है पद के अनुसार यानी पद मनसब के अनुसार पद के अनुसार यानी आपको पद पांच हजार का पद तो पांच हजार के पद के अनुसार आपको घोड़े रखने पड़ते थे तो उसके हिसाब से पांच हजार सवार यानी घोड़े रखना तो सिंपल सी बात है जात क्या होता था बेटा मनसब में दो शब्दों का इस्तेमाल होता था जात और सवार जात होता था व्यक्तिगत पद और सवार होता था आपकी जिम्मेवारी कि आपके ऊपर कितने घोड़े रखे जाएंगे तो सवार का मतलब यह हो गया बस इतना ही आपको याद करना मनसबदारी भी हमारा ख्याल तैयार धार्मिक कार्य किया जजिया की समाप्ति की इतना ही नहीं किया दो काम और की जिसे मैं एक फार्मूले से बताता हूं जैसे मैं डी टी सी होता क्योंकि मुझे याद नहीं होता था भूल जाता था अपने टाइम में तो मैंने डी टी सी दिल्ली में मैं रहता था डी टी सी बस होती थी तो ऑब्बियस डी टी सी का मतलब डी टी जी मैंने कर दिया क्या कर दिया जी तो मुझे याद हो गया सबसे पहले इसने डी फॉर दासपुरथा खत्म किया टी फॉर तीर्थ यात्रा खत्म किया और जी फॉर जजिया याद रखिएगा जी फॉर जजिया तो तीनों का ये अनुक्रम है पहले वो किया फिर ये किया फिर ये किया कभी अनुक्रम भी आ जाए कभी अनुक्रम भी आ जाए हालांकि इतना डीप तो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी तो जजिया की समाप्ति देखिए पंद्रह सो चौसठ में ये बासठ में किया ये तिरसठ में किया ये चौसठ में दीन इलाही पंद्रह सो बयासी इलाही याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कब तो किससे संबंधित है दीन इला पंद्रह सो बयासी इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में पंद्रह सो पचहत्तर में तो आप देख सकते हैं नहीं नहीं, एक एक प्रकार से व्यक्तिगत उसका विश्वास था जो जिसका आधार नैतिक था जिसमें आपको चार चीजों को समर्पित करना पड़ता था जीवन संपत्ति सम्मान और धर्म जो ये चार चीज समर्पित करता था वही इलाही समझ रहे ना उनके साथ कनेक्ट होता था सामाजिक कार्य क्या किया रूढ़ी प्रथाओं कांत किया इंपॉर्टेंट है बाल विवाह सती प्रथा दास प्रथा बहु विवाह विधवा विवाह अंतर्जातीय विवाह मतलब ये सब समा सॉरी इनको नियंत्रित किया विधवा और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और वैश्वाओं का वेश्याओं का पुनर्वास सुनिश्चित किया शिल्प यानी निर्माण कार्य क्या किए सिंपल है तो चित्रकारी विभाग अब तो समझ को दिया गया जिसको सीरी कलम की उपाधि दी गई सिकंदरा में मकबरा और आगरे का लाल किला फतेहपुर सीकरी की स्थापना जिसमें दीवाने खास दीवाने आम पूछ लेता फतेहपुर निम्नलिखित में से कौन सी फतेहपुर सीकरी की इमारत नहीं है? दिवाने आम, दिवाने खास, गुजरात, उपलक्ष, या नहीं है ऐसे भी UPSC पूछता है कौन कौन सी इनके काल में रही है जो प्रसिद्ध रही है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सी रचनाएं रही है जिससे यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है फजल आईने अकबरी अकबर याद रखिएगा क्या अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा ठीक है इसके बाद रजमनामा ये महाभारत का फार्सियन बाद कभी पूछ लिया रजमनामा क्या है तो समझ में नहीं आएगा भैया ये ये क्या है पुस्तक है नहीं पता चले रजमनामा चित्रकारी मार दें अनुवादे सुहेरी या इसे सुहेली भी कहते हैं सुहेली भी कहते हैं ये पंचतंत्र जो कहानी होती उसका है उसका फारसी भाषा में अनुवाद है प्लीज इसको याद करेगा। जो इंपॉर्टेंट था वो दिया गया बहुत डीप अगर जाएंगे तो फिर तो कभी कंटेंट खत्म नहीं होगा आप जो भी नए बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं आप हमेशा याद रखिएगा एग्जाम के लिए मैं सिखा रहा हूं कैसे आप कंटेंट बनाए एग्जाम के लिए और इसी बहाने मेरा एक उद्देश्य भी है बिना प्लानिंग किए मैं आ गया उसके पीछे रीजन ये है कि भैया मुझे चार अक्टूबर को बच्चों का प्रिलिम्स है उसके लिए भी कुछ काम करना है तो आपका इतिहास की तो गारंटी ऐसे दे रहा हूं पॉलिटी की भी दे रहा हूं यानी कि इसी अगस्त महीने में ही आपका ऑलिटी पॉलिटी है और इकोनॉमिक सब फटाफट फटाफट की जी क्या जिजेनपी क्या, क्या पीसीआई क्या ये क्या वो क्या ऐसे स्पीड से खत्म कराता चला जाऊंगा और ये सब बच्चों के लिए होगा चाहे आई की तैयारी करते हो चाहे पीसीएस की तैयारी करने लिए ये कम से कम आधे घंटे 40 मिनट में आपका मैक्सिमम कंटेंट तो तैयार हो जा रहा है एक बार रिवीजन तो रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया भैया चलो हमारा काम हो गया ठीक है और उन बच्चों के लिए मेरे प्रिय बच्चे जो गांव में है जिनके पास इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों सब देखो मैंने तैयार कर दिया डरने की जरूरत नहीं है संसाधनों का रोना नहीं रोना है संसाधनों का क्रिएटर बनना बनेंगे मैं आपके साथ काम करूंगा आप मेरे साथ काम करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अगर चित्रकला 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 इंपॉर्टेंट है चूंकि पूछता है तो चित्रकारी के लिए अलग विभाग और यहां क्या हुआ शुरुआत शुरुआत यूपीएससी पूछता है पहली चीज पहली चीज तो यहां शुरुआत हुई भित्ति चित्रकारी दीवाल पर चित्रकारी मान लीजिए यह दीवाल है इस पर चित्रकारी की शुरुआत हुई अकबर के काल में ठीक है ना और इस पर भारतीय वृत्त के आकार वृतीय शैली का इंपैक्ट पड़ा प्रमुख चित्रकार आईने अकबरी में जो नाम है मीर सैयद अली अब्दुल समद दशवंत बचावन महेश लाल मुकुंद सावलदास दशवंत अग्रणी चित्रकार था इसकी कृतियां खानदान तैमूरिया तुतुतीनामा बसावन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट था ठीक है और चित्र संग्रह कौन कौन से प्रसिद्ध है हमजानामा नामा दास्तान अमीर हमजा लाल नीले पीले कासनी और काले रंगों के छपाके इसके ऊपर चित्रित है और रजमनामा, नानमा रामायण अकबर नामा ये सब चित्र संग्रह जिसके बारे में पढ़ लिया अब आइए जहांगीर जहांगीर 1605 से 27 सामाजिक कार्य क्या है शराब मादक द्रव्य निर्माण और उसकी बिक्री पर रोक सबसे पहले लगाया तो यह इंपॉर्टेंट है खुद शौकीन थे लेकिन नियंत्रण लगाए तो आप ध्यान रखिएगा यह एक महत्वपूर्ण मे इनिशिएटिव सप्ताह में दो दिन पशु बध पर रोक गया और धार्मिक नीति क्या थी जहां से आ सकता है सहिष्णु किंतु कुछ अपवाद अपवाद स्टार्ट हो गए शिख गुरु अर्जुन देव का विवाद किसके साथ हुआ तो जहांगीर के साथ यह भी याद रखिएगा किंतु खुसरो की सहायता करने के कारण यानी अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी जो खुसरो खुसरो इनका पुत्र था जिसने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था ईसाई धर्म में भी रुचि ली याद रखिए क्या लिया ईसाई धर्म में भी रुचि ली इतना याद रखिएगा राजनीतिक कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कांगड़ा की विजय की जो एक मात्र विजय है इनकी याद रखिएगा दक्षिण में अहमदनगर मेवाड़ कुछ इतिहासकार कहते हैं विजय की लेकिन ये उन्होंने अकबर के ही जो काल में मिला था उसको संरक्षित बनाए रखा पुर्तगालियों से पहली बार संबंध मुगलों का है। अगर बना तो इन्हीं के काल में बना देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क बना तो कहां से जहांगीर के काल में याद रखिएगा विद्रोह खुसरो खुर्रम महाबत ये तीन ये दो खुसरो ने महाबत खान ने खुर्रम ने जहांगीर के शासन काल में विद्रोह किया दैट इट प्रशासनिक कार्य ये इंपॉर्टेंट है ये पूछ लेता न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी तो जहांगीर ने न्यायप्रिय सम्राट था और न्याय की जंजीर बनाई थी स्वर्ण जंजीर कहते हैं तो यह भी याद रखे जिसमें जिसमें बारह घोषणाएं प्रकाशित थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की पीड़ा है तो घंटी बजा करके और वह सम्राट से न्याय की अपील कर सकता है सम्राट उसकी सुनेंगे फिर कुछ और पॉइंट आ जाएंगे मुझे पढ़ाना था दू अस्पा सी अस्पा क्या पढ़ाना था दू अस्पा सी अस्पा यह मनसबदारी में जो पद और सवार होते थे तो स्वाभाविक है अब जब सवार यानी ज्यादा जिम्मेदारी डालनी थी तो एक व्यवस्था में चेंज किया गया मनसबदारी में तो अब वो पढ़ाना था विस्तार से पढ़ा था बहुत टाइम लगता लेकिन क्वेश्चन बना दिया दो मिनट में क्लियर कर दूंगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक सही है पहला जहांगीर ने अस्पा प्रथा शुरू की अस्पा प्रथा अस्पा 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 अस्पा, अस्पा 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 बताता हूं जिसमें दो अस्पा अर्थात सवार पद के दोगुने घोड़े व सिंह अस्पा या सिंह अस्पा अर्थात सवार पद के तीन गुने घोड़े यानी मान लीजिए आपको सवार पद मिलता था ढाई का तो आपको दो अस्पा यानी दो गुना सी अस्पा यानी तीन गुना ज्यादा घोड़े रखने पड़ते थे यानी आपकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ा दी गई थी ठीक है चित्रकला के शौकीन जहांगीर के काल में अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार था शासन में जहांगीर की बेगम नूर जहां का इंपैक्ट था आंसर क्या है आप उस्ताद मंसूर और अब अबुल हसन थे ये जो अब्दुल समद साहब थे वो अकबर के काल के थे कौन के थे ये अकबर के काल के थे अब्दुल याद इसलिए ये यानी चित्रकला के ये इस, इस में नहीं होगा फटा फटाफट रट लीजिएगा क्या किया आपको पता है, कल्चर पार्ट पूछता है। में अकबर का मकबरा इन्होंने बनाया लाहौर की मस्जिद का निर्माण करा चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकार आकारिजा इनके काल में था आगरा में इसी के नेतृत्व में चित्रणशाला की स्थापना कराई छवि चित्र यूपीएससी पूछ चुका है छवि चित्र इस बार किसके शासनकाल में तो तोobviously छवि चित्र जो है जहांगीर के काल में इस बार 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था छवि चित्र व्यक्ति के चित्र यानी प्राकृतिक दृश्य एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा का शुभारंभ किया किसने किया इनके काल में इनके प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग बिशनदास उस्ताद मंसूर दौलत मनोहर तथा अबुल हसन अबुल हसन ने जो तुजके जहांगीरी जो इनकी पर... जो है आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया अबुल हसन ने पॉइंट याद कर लीजिएगा और इसके बाद अब आते हैं अब अगला हो गया शाहजहां शाहजहां यानी सोलह से अट्ठावन शाहजहां सोलह से अट्ठावन युद्ध और आक्रमण सबसे पहले देख लेते हैं हुगली पुर्तगालियों पर आक्रमण किया हुगली को लेकर किस के किसने किया यानी पुर्तगालियों के हस्तक्षेप से मुगली को बचाने के लिए शाहजहां ने आक्रमण किया दक्कन अहमदनगर पर विजय की ये कोई नवीन विजय नहीं थी अकबर के काल का था उसको बचाए रखना था विद्रोह हो गया था तो विजय की कला और निर्माण कार मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है वास्तुकला का तो यह याद रखिएगा ताजमहल स्वर्णयुग है आज भी विश्व के आश्चर्यों में है तख्ते तख्ते ताउस दिल्ली का लाल किला दिल्ली की जामा मस्जिद सब इन्होंने बनवाया सामाजिक कार्य किया फिरोज साह तुगलक द्वारा निर्मित नहर ए साहिब यानी यह ये जो नहर है का जीर्णोदार कर उसका नाम रखा नहर ए शाह तो याद रखिएगा पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस शासक अब किन शासकों का संबंध नहर निर्माण से है और लिख दे फिरोज शाह तुगलक शाहजहां शाहजहां जहांगीर ठीक है अलाउद्दीन खिलजी अकबर कुछ ऐसा तो कंफ्यूज हो जाएंगे दो लोगों का ऐसे भी यूपीएससी संबंध निकाल लेता है तो यह हो गया पॉइंट आपका चित्रकला चित्रकला क्या रही चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी है रेखांकन और बॉर्डर बनाने में प्रसिद्ध चित्रकार फकीर याद कर लीजिएगा अब आते हैं औरंगजेब सत्रह से साठ अब देखिए फिर क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट आप क्वेश्चन केवल ऐसे दिया गया प्रैक्टिस के लिए मेरा उद्देश्य क्या है इसके माध्यम से फैक्ट कराना निम्नलिखित में से कौन सा सही है पहला राजत्व का सिद्धांत इसका राजनी और राजत्व का सिद्धांत क्या था दारुल हर्ब गैर इस्लामिक देश को दारुल इस्लाम इस्लामिक देश बनाना दूसरा औरंगजेब को आलमगीर प्रथम और सादगी के लिए जिंदा पीर भी कहा जाता था आंसर क्या है दोनों सही है इनका राजस्व था दार, दारुलहर यानी हिंदुस्तान में जो इनके क्षेत्र में नहीं थे या जो शामिल था उसको इस्लामिक देश बनाना और आलमगीर प्रथम और इनको कहा गया और इनकी उपाधि थी ये पूछ सकता है आलमगीर प्रथम किसकी उपाधि थी और जिंदा पीर किसकी उपाधि थी तो क्यों कहा जाता है जिंदा पीर पीर फकीर होते हैं ना तो ये सादगी के लिए कहा गया है यानी क्योंकि ये बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करता था और आप समझ सकते हैं मध्यकाल का शासक होने के बाद भी पूरा जीवन एकमात्र अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहा तो ये इसके व्यक्तिगत जो करेक्टर है उसकी ये उपलब्धियां अपने आप में अप्रतिम है फिर क्या हो गया धार्मिक नीति धार्मिक में तक कुरान के नियमों का पालन व्यक्तिगत स्तर पर कट्टर सुन्नी मुसलमान मुद्राओं पर कलमा लिखवाया ये सब आपको याद करना है हिंदू त्यौहार मनाना नवरोज यानी जो फारसी त्यौहार था जिसे स्टार्ट किया था किसने फारसी जिसे बलबन ने स्टार्ट किया था नरोज ये कर दिया झरोखा दर्शन जो अकबर करते थे यानी कि अपने जो भी मतलब सुबह मतलब जो उनकी प्रजा होती थी दर्शन के लिए आती थी तो झरोखे से यानी खिड़की से उनको दर्शन दिया जाता था जिस जैसे आजकल सिनेमा में मतलब अक्षय कुमार सलमान खान अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लोग खड़े रहते हैं कुछ वैसा ही जजिया और यात्रा कर सोलह में जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था फिर शुरू करवा दिया राजपूतों के अतिरिक्त हिंदू जातियों से भी भेदभाव मंदिरों का विध्वंस किया पाटन सोमनाथ मंदिर वाराणसी का विश्वनाथ और मथुरा का केशव सिंह मंदिर इसने क्या किया विनष्ट किया आर्थिक कार्य 80 कर बंद किए यानी 80 टैक्स खत्म किया राहदारी और पांडारी क्या है प्रैक्टिस कर लेते हैं शासन के विभाग प्रशासनिक पद करों के प्रकार किलों के प्रकार या किलों के नाम तो क्या है राहदारी और करों के प्रकार क्या है राहदारी और पांडारी क्या है करों के प्रकार है प्रशासनिक कार्य आ जाते हैं सर्वाधिक संख्या में प्रांत अगर किसके काल में थे तो सर्वाधिक प्रांतों पर शासन करने वाला शासक मुगल काल का वो था औरंगजेब ये पॉइंट याद रखिएगा राजनीतिक संघर्ष मराठों से यानी मराठों से किया बट मराठों के विरुद्ध विरोध रहा शिवाजी सफल रहे जाट विद्रोह सोलह सो उन, उनहत्तर में राजा राम के नेतृत्व में ठीक है ना पहले यहां पे हुआ गोपाल गोपाल याद रखिएगा गोपाल तो गोपाल के नेतृत्व में फिर राजा राम के नेतृत्व में सोलह में भी जाट विद्रोह हुआ और ये सब कृषक विद्रोह थे याद रखेगा सिख गुरु तेग बहादुर से संघर्ष किसका हुआ तो औरंगजेब का हुआ, हुआ यह भी फैक्ट याद रखेगा यूपीएससी वो ऐसे नहीं पूछता कि किसका हुआ समकालीन लगा देता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है या सुमेलित नहीं अगर आपने यूपीएससी का या पीसीएस का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें लिख देगा सुमेलित में कि अकबर टोडरमल फिर लिख देगा इनका कि तेग बहादुर और औरंगजेब फिर लिख देगा जहांगीर गुरु अर्जुन देव ऐसा तो कौन सुमेलित ऐसा भी पूछ लेता ठीक है चित्रकला 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 इस्लाम विरोधी मानकर बंद करा दिया शासनकाल के अंतिम वर्षों में कुछ लघु चित्र आए लेकिन बंद करा दिया मुगलों का पतन देखिए पैदान पे आ गए कारण आपको अच्छे से पता संगठन तो संगठन कार्यक्रम कार्य पद्धति विचारधारा नेतृत्व तो जब सब कमजोर पड़ेगा तो संगठन का पतन हो जाएगा मैंने पहले ही बताया है औरंगजेब के बाद कमजोर शासक एक सिंपल सी बात है राजवंशीय शासन परंपरा में अगर अयोग्य उत्तराधिकारी है तो स्वाभाविक है शासन का पतन स्वाभाविक है औरंगजेब के बाद कोई भी उनके कलीबर का व्यक्ति यानी जहांगीर के भी कलेबर या शाहजहां के भी कलीबर का व्यक्ति कोई आया नहीं जो मुगलों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाता तो औरंगजेब के बाद कमजोर लगातार होने वाले युद्ध दक्कन का अल्सर अयोग्य उत्तराधिकारी ये सब हैं ठीक है ना शासन व्यवस्था में भी थोड़ा हेर फेर किया सुलह कुल की नीति जो बाबर से अकबर तक चली लेकिन बाद के शासकों ने इसे जारी नहीं रखा राजनीतिक संस्थाएं राजनीतिक शून्यता में पढ़ाता हूं जिसके परिणाम स्वरूप अमीरों का हस्तक्षेप हुआ उदाहरण के लिए सैयद बंधु गुटबंदी हो गई ईरानी गुट तुरानी गुट ठीक है ना कौन कौन ईरानी तुरानी और भारतीय मुस्लिम तीन तो ये भारतीय जो मुस्लिम थे वो थे सैयद बंधु ईरानी ठीक है और तुरानी ईरानी यानी अफगान समर्थक तुरानी यानी मुगलों के यानी जो सुन्नी समर्थक शासक अधीन शासक इनके अधीन कौन कौन शासक थे उदाहरण हैदराबाद बंगाल और क्षेत्रीय शक्तियां कौन उदित हुई मराठा और सिख इन्हीं के काल में क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में सैन्य तंग आधुनिकीकरण नहीं किया गया नौसेना निर्माण का प्रयास नहीं किया गया और जो विदेशी शक्तियां उनके पास यही था आर्थिक कारण जमा और हासिल का अंतर बढ़ना जमा और हासिल का मतलब होता है बजट यानी अकबर के काल में जो जमा यानी जो अनुमान लगाया गया कि अब की बार राजस्व पांच रुपए मिलेगा तो हासिल उतना नहीं हुआ इसका अंतर अकबर के काल से शुरू हुआ था लगातार घटता चला मतलब अंतर बढ़ता चला गया तो राजकोष खाली हो गया राजकोष खाली नहीं तो आप सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा सकते याद रखिएगा लगातार युद्ध से राजकोष पर बोझ बढ़ता चला गया यह वही स्थिति थी जैसे यूरोप में हो रही थी अगर आप कंपेयर करिए लुई चौदहवा लुई चौदहवा फ्रांस का शासक लगातार युद्ध करता रहा राजकोष को रिक्त करता रहा कुछ वैसी स्थिति यहां पर भी बन रही थी टेक्नोलॉजी में यह सब कूप मंडूक रहे भौगोलिक खोजें नहीं की जबकि यूरोप में अकबर के समय से अकबर ने नहीं किया यूरोप में अकबर के समय से ही भौगोलिक खोजें शुरू हो गई हेनरी द नेविगेटर को भौगोलिक खोजो पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर को भौगोलिक खोजों को बढ़ाने वाला क्या कहा जाता है शहशाह कहा जाता है तो यह हो गया सामाजिक आधार इनका कमजोर हो गया स्वाभाविक है जब शासन प्रत्येक स्तर पर कमजोर होगा तो कमजोर हो गया जनता का जुड़ाव मुगल शासकों से समाप्त हो गया और अंततः मुगल वंश का पतन हो गया आई होप आई होप आई होप आई होप कि मैंने कितने टाइम में आठ बज रहा है मैंने सात दस पे लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि मुझे चालीस से पचास मिनट लग जाएंगे आप चालीस पैंतालीस क्यों लग जाए चूंकि मैं बीच बीच में आपको समझा रहा हूं आपको केवल आधे घंटे में आप इसको खत्म कर सकते हैं अगर एड वाला पार्ट हटा दीजिए तो स्वाभाविक है आपको क्या मजा मिला पूरा मिल गया और आज ज्यादा बात भी नहीं करूंगा जिससे इसका कलेवर बना रहे तीस मिनट का ही आप सबका बहुत बहुत आभार और अब ऐसे ही कमेंट में बता दीजिएगा कि बहुत पसंद आया सौ परसेंट सौ परसेंट पसंद आया तो मैं फिर क्या करूँगा फिर मैं क्या करूँगा जल्दी 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 आपका क्या इसी हफ्ते इसी हफ्ते आपका सब बन के रेडी है यानी बिपिन चंद्रा और ये और ये इसी स्पीड से आधे घंटे की चालीस मिनट में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जय हिंद लेट्स क्रैक इट बहुत बहुत आशीर्वाद